हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों चलिए आज जानते हैं विश्वीय राष्ट्रमंडल खेल 2014 के बारे में। दोस्तों 2014 विश्वीय राष्ट्रमंडल खेल के बारे में इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं 2018 के जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है उसकी फुल डिटेल में बता चुकी हूँ, तो उसी प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है उसी टॉपिक को मैं यहाँ पे रखी हूँ जो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों विश्वीय राष्ट्रमंडल खेल 2014 का आयोजन जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था 23 जुलाई से 3 अगस्त तक। 71 देश इसमें भाग लिए थे और इसमें ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन के समय विजय कुमार और समापन के समय सीमा पुनिया चक्का फेंक में इन्होंने पदक रजत पदक हासिल किया था। ठीक है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था इसको भी आपको जानना जरूरी है। तो 1930 ईस्वी में कनाडा उरुग्वे में संपन्न हुआ था। और भारत ने इसमें कब भाग लिया था पहली बार? 1934 के लंदन इंग्लैंड में। नेक्स्ट है देशों का स्थान 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में किन देशों का कौन सा स्थान है और भारत देश का कौन सा स्थान है? तो इन्हें इंग्लैंड जो है 58 स्वर्ण 59 रजत 57 कांस्य कुल 174 पदक के साथ इसका प्रथम स्थान है था। एंड ऑस्ट्रेलिया का 49 स्वर्ण 42 रजत 46 कांस्य टोटल 137 पदक के साथ दूसरा स्थान था। एंड भारत का पांचवा स्थान था 15 स्वर्ण 30 रजत 19 कांस्य पदक के साथ, कुल 64 पदक के साथ इसका पांचवा स्थान था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 14वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत का कौन सा स्थान था? तो पांचवा स्थान था, भारत कुल 64 पदक हासिल किया था। नेक्स्ट है उसमें से भारत किन किन खेलों में कौन सा पदक हासिल किया? एथलेटिक्स में स्वर्ण विकास गौड़ा को चक्का फेंक में हासिल किया। और राष्ट्रमंडल खेल में 65 सालों के बाद भारत के लिए किसी पुरुष एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने कौन? विकास गौड़ा। इसके पहले 56 वर्षों तक पुरुष एथलेटिक्स में कोई भी पदक नहीं जीता था। तो 56 सालों के बाद कोई जीता तो कौन जीता? विकास गौड़ा चक्का फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट है बैडमिंटन में स्वर्ण पारुपल्ली कश्यप ने हासिल किया 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा में 32 साल बाद स्वर्ण पदक जीता, यानी 32 साल के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में पारुपल्ली कश्यप ने बैडमिंटन पुरुष एकल में स्वर्ण पदक हासिल किया। 32 साल तक पुरुष एकल में किसी ने हासिल नहीं किया था इसके पहले। एंड रजत पदक ज्वाला गट्टा असोनी पोनप्पा को महिला युगल में दिया गया। कांस्य पदक पीवी सिंधु महिला एकल में और गुरु साई दत्त पुरुष एकल में कांस्य पदक प्राप्त किए। नेक्स्ट है निशानेबाजी में स्वर्ण, यानी निशानेबाजी में 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में 4 स्वर्ण पदक भारत की तरफ से प्राप्त हुआ है, जिसमें से अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में, जीतू राय 50 मीटर पिस्टल में, राही सरनोबत महिलाओं में 10 मीटर एयर राइफल और अपूर्वी चंदेला महिलाओं में 10 मीटर एयर राइफल। दोस्तों एग्जाम पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को 1 से 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको एक दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारोत्तोलन में स्वर्ण, भारोत्तोलन में संगीता चानू जो है 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल की, सुखेंदे 56 केजी वर्ग में एंड सतीश शिवलिंगम जो है 77 केजी वर्ग में 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। कौन? संगीता चानू, सुखेंदे, सतीश शिवलिंगम। नेक्स्ट है कुश्ती में गोल्ड, कुश्ती में गोल्ड पुरुषों में अमित कुमार 57 केजी में, फिर सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, महिलाओं में विनेश फोगाट 48 केजी में जो गीता फोगाट एंड बबीता फोगाट की सिस्टर्स हैं, और बबीता कुमारी 55 केजी में इन्होंने गोल्ड कुश्ती में हासिल किया।
नेक्स्ट है मुक्केबाजी में रजत, मुक्केबाजी में देवेंद्र सिंह लाइट फ्लाईवेट में रजत प्राप्त किए, मनदीप जांगड़ा वेल्टरवेट में, लेसराम सरिता देवी लाइटवेट में और विजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक में कांस्य, जिम्नास्टिक में कांस्य पदक दीपा करमाकर ने प्राप्त किया, करमाकर ने वॉल्ट में कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया दीपा करमाकर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था कॉमनवेल्थ गेम 2014 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी की इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे उन तक भी आपके माध्यम से ये जानकारी पहुँच सके। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।